और ये अपील करना चाहते हैं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से और ख़ासतौर से हमारे बाबा जी से, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप कृपया करके जो बातें आपने जो आपने भाषण अपने चुनाव से पहले दिए थे, जिस तरीके से आप गुंडों बदमाशों का बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाओ हम लोग आने वाले हैं, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उनके आने के बाद से गुंडे बदमाशों की जो तादाद है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है और पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो जो इनका जो खुफिया तंत्र जो होता है पुलिस का, वो खुफिया तंत्र जो है उल्टा उन्हीं के ऊपर, मतलब जिस तरीके से मुखबरी पुलिस ने करी, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक डूबने वाली बात, बहुत शर्मनाक बात है। जिस तरीके से हमारे पुलिस वाले वहाँ शहीद हुए हैं, हमारे सीओ शहीद हुए हैं, 3 इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं, बाकी सब इंस्पेक्टर जितने सिपाही जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को हम समाजवादी पार्टी के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि जितने भी जो बदमाश, जो गुंडे, जो नेता और ख़ास तौर से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, हम उनसे बोलना चाहते हैं कि जिस भी इस तरह के नेता हैं जो बदमाश छवि वाले लोग हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं या जो जेल काट चुके हैं या जिनको क्या नाम है सज़ा हो चुकी है, इनकी बाकायदा पूरी लिस्ट बनाई जानी चाहिए और हमारे देश के जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो भी मुख्यमंत्री हों, जिन पर भी जो भी मुकदमा चल रहा है, अगर कोई मुख्यमंत्री हमारे कुर्सी पर अगर बैठा हुआ है और उस पर कोई मुकदमा विचाराधीन अगर है, तो उनसे इस्तीफ़ा लेकर किसी और को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।